ठंडे के महीने में तरह तरह की पेट की परेशानियाँ, स्किन की परेशानियाँ, वैसे तो प्रायः देखा गया है कि ठंडे के महीने में स्किन की परेशानियाँ कम से कम होती है, ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती है, पेट की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसी में आपको आज स्किन की परेशानी जो होती है उस पर बहुत लोगों के कमेंट आए थे, आप लोग भी कमेंट करिए कि किस चीज़ की परेशानी आप लोगों को हो रही है। बहुत लोग कमेंट आए थे कि ठंड में उंगली लाल हो रही है, हाथ पांव की उंगलियां लाल हो रही हैं और साथ साथ में फट सी रही हैं और दर्द सा हो रहा है, तो उसी पर दवाई बता दीजिए आज दोनों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद पांडे, होम्योपैथी पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने की कोशिश करूँ। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो ठंड में अगर बहुत उंगलियाँ लाल हो रही हैं, सूज रही हैं और साथ में फट रही हैं, दरारें पड़ जा रही हैं, तो उसके लिए मेडिसिन बता रहा हूँ। तो उससे पहले आप लोगों से कहूँगा कि ठंड के महीने में पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन तो होता ही होता है, साथ साथ में त्वचा में भी रूखापन आने लगता है। इसलिए एक कोशिश ज़रूर करिए कि जो ठंड के मौसम है इनमें आप पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, सुपाच्य भोजन खाइए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए और साथ साथ में बॉडी में ऑयलिंग करते रहिए ताकि आपके अंदर त्वचा में रूखापन ना आए। अगर दवाई बता रहा हूँ उसके साथ साथ में अगर ज़्यादा कोई परेशानी है तो नज़दीक में आपको किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलिए। कोई भी परेशानी आपको है, कोई परेशानी आपको ठंड के मौसम में इस मौसम में हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि उस चीज़ का वीडियो मैं आप तक जल्दी जल्दी पहुँचाऊँ। बस अब मैंने ये चल रहा है कि काफ़ी हद तक मैंने वीडियो बना दी है, तो कमेंट में जो वीडियो कमेंट में जो आ रहे हैं लोगों के, तो उन लोगों के वीडियो बनाने की कोशिश हो रही है ताकि उन तक वो जानकारी मिले, उनको होम्योपैथिक्स का जो चमत्कार है, होम्योपैथिक की जो मेडिकल हैं वो उनको मिलते रहें और उससे वो पूर्ण रूप से ठीक होते रहें। बस अपना तो मकसद केवल एक ही है, होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करना। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है अपने नज़दीक में किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएं। अगर हाथों में लाल पर आ रहा है, उंगलियाँ फट रही हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 30 पावर में ज़्यादा नहीं लेनी है, सुबह दोपहर शाम 3-4 दिन तक, 5 दिन तक लीजिएगा, 5 दिन तक मैक्सिमम, 5 दिन से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर 3 दिन में लाभ हो जाए तो बंद कर दीजिएगा, उसके बाद 5 दिन तक लीजिएगा, 5 दिन के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दीजिएगा, सुबह दोपहर शाम। या गोली में ले लीजिएगा या लिक्विड में ले लीजिएगा, तो दो दो बूंदे सुबह के दिन में शाम को लगातार ले लीजिएगा। और जिस एरिया में फट रहा है तो वहाँ पर कैलेंडुला ऑयलमेंट को लगातार लगाते रहेंगे ताकि उसमें ड्राइनेस नहीं आए और नमी बनी रहे। तो इसी तरह से नए वीडियो के साथ में फिर कल मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।